Hello everyone and welcome back to join MNS Academy. Today we are going to do question of cell cycle and cell division. तो इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं. आप उनको अपने नोटबुक में साथ में मार्क करते रहना और एट द एंड आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आपने कितने स्कोर किए वो मार्क्स लिखना. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम इन फ्यूचर और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालने वाले हैं जो आपके MNS प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोकाइनेसिस इज टर्म यूज्ड फॉर ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम. तो यहाँ पूछा गया है कि ये जो कैरियोकाइनेसिस टर्म है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है. जो कैरियन वर्ड है ये हमारा न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी विच इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है बी एंड सी में. तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्मा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. बट कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, पूरा सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, ओनली न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है. इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज इन माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर ड्यूरिंग, ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी प्रोफेस, ऑप्शन डी टीलोफेस. तो पूछा गया है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस में न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस जो होता है वो किस स्टेज में डिसअपेयर होता है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेस में हमारा न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप ये सब डिसअपेयर होता है. देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन एन यूकैरियोटिक सेल. तो जो एक यूकैरियोटिक सेल होता है उसके किस स्टेज में हमारा हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. ऑप्शन ए है G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज, ऑप्शन बी है S फेज, ऑप्शन सी है एंटायर प्रोफेज, ऑप्शन डी है टीलोफेज. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी विच इज़ S फेज. तो जो S फेज है वो होता है सिंथेसिस फेज. इस फेज में जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे बेसिक प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं और बेसिक अमीनो एसिड की वजह से सिंथेसाइज होते हैं. तो जो अमीनो एसिड यहाँ इन्वॉल्व होता है वो होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन. उसकी वजह से ही हमारा जो क्रोमोसोम या फिर डीएनए की पैकेजिंग होता है. तो ये जो प्रोटीन जो एसेंशियल प्रोटीन है फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए वो हमारे प्रिपरेटरी फेज एस फेज में ही पूरे सिंथेसाइज हो जाते हैं. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ एस फेज. नेक्स्ट इज पैकेटिन ऑकर्स ड्यूरिंग, ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी ग्रोथ ऑफ अ सेल, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. सो जो ये पैकेटिन है ये हमारे मियोसिस वन का स्टेज है. मियोसिस वन जो हमारे जर्म सेल्स में होता है वहाँ पे होता है. तो मियोसिस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. माइटोसिस में हमारा पैकेटिन ऑकर नहीं होता है एंड ग्रोथ ऑफ सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है तो इसलिए हम वो यहाँ पे करेक्ट मार्क नहीं करेंगे. देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म जो है ये जब फ्रूट फॉर्म होता है तब फॉर्म होता है, जब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है. तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विच इज़ मियोसिस. मियोसिस का जो फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज, वहाँ पे हमारा पैकेटिन जो स्टेज होता है ये होता है. नेक्स्ट इज साइनैप्सिस ऑकर बिटवीन, ऑप्शन ए स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर, ऑप्शन बी टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन सी अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट, ऑप्शन डी mRNA एंड राइबोसोम. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ टू होमोलोगस क्रोमोसोम. तो जो साइनैप्सिस है ये भी अगेन हमारे प्रोफेज वन का ही एक स्टेज में होता है जहाँ पे हमारे दो क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको एक्स शेप स्ट्रक्चर या फिर काइजमाटा बोलते हैं. तो जो हमारे ये काइजमाटा फॉर्म होता है वो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है. बाकी जो ऑप्शन है जैसे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर,
तो ये हमारे तब रिक्वायर्ड होते हैं जब हमारा सेल्स के जो क्रोमोसोम है जब वो ओपोजिट पोल्स पे जाते हैं माइक्रोट्यूबुल से अटैच होने के बाद, तब ये रिक्वायर्ड होता है। देन अगर मेन एंड फीमेल गैमेट एक साथ जुड़ते हैं या फिर वहाँ पे फ्यूजन होता है तो हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, तो वो भी नहीं होगा। एमआरएनए जो राइबोसोम है वो हमारे प्रोटीन के ट्रांसलेशन के टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो है टू होमोलोगस क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स। ऑप्शन ए सेंट्रोमियर, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी काइनेटोको, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो यहाँ पूछा गया है कि जो हमारे क्रोमैटिड्स होते हैं वो किस चीज़ की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसका आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा होता है बीच में यहाँ एक राउंड सी चीज़ होती है एंड देन ये यहाँ पे इसके आर्म्स होते हैं। तो ये जो आर्म्स है इन्हीं को हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो ये किस चीज़ की वजह से जुड़े हैं इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रोमियर। जो एस्टर होते हैं ये हमारे एस्टर फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे सेल डिवीजन के टाइम हेल्प करते हैं, तो ये नहीं होगा। काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारे जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो अटैच होते हैं, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है हमारे एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन के टाइम हेल्प करेगा, तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विच इज़ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट इज इन विच डिरेक्शन डज क्रोमैटिड मूव ऑन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। ऑप्शन ए टूवर्ड्स द पोल, ऑप्शन बी टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन, ऑप्शन सी टूवर्ड्स द न्यूक्लियर एनवेलप, ऑप्शन डी टूवर्ड्स एडजेसेंट क्रोमैटिड्स। तो जब हमारे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं तो वो किस तरफ मूव करते हैं, तो वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द पोल। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए टूवर्ड्स द पोल। जब हमारे जो इक्वेटोरियल प्लेन है ये मेटाफेज में होता है, जब हमारे सेल जो है वो एक लाइन में अलाइन होते हैं। देन टूवर्ड्स न्यूक्लियर एनवेलप भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज टूवर्ड्स न्यूक्लियर एनवेलप कोई ऐसा चीज़ होता नहीं है, वो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर होती है। एंड टूवर्ड्स एडजेसेंट क्रोमैटिड भी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टूवर्ड्स द पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू प्लांट नॉट अंडरगो फरोइंग ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें फरो फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है। जैसे एनिमल सेल में आपने देखा होगा सेल डिवीजन के लिए फरो फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बट प्लांट में वो नहीं होता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ रिजिड वैस्कुलर बंडल, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है इसलिए वहाँ पे जो फरो फॉर्मेशन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए फरो फॉर्मेशन का जो स्टेप है वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्टली सेल वॉल फॉर्म हो जाती है और उसके बाद हमारे दो सेल्स डिफरेंट सेपरेट होकर फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एट व्हाट स्टेज वन कैन विजुलाइज काइसमाटा। तो जो अभी मैंने आपको बताया एक्स शेप जो स्ट्रक्चर है काइसमाटा है वो कौन से स्टेज में फॉर्म होता है, ये प्रोफेज के चारों स्टेजेस है, तो इसके किस फेज में हमारा होता है मियोसिस वन का प्रोफेज वन के ये चारों स्टेजेस हैं। तो ऑप्शन ए है डिप्लोटीन, ऑप्शन बी पैकेटीन, ऑप्शन सी लेप्टोटीन, ऑप्शन डी जाइगोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विच इज़ डिप्लोटीन। तो जो डिप्लोटीन स्टेज है उस स्टेज में हमारा काइसमेटा फॉर्म होता है, उस स्टेज में हम अपना जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बाइवेलेंट, ऑप्शन बी एक्सोनीमे, ऑप्शन सी इक्वेटोरियल प्लेन, ऑप्शन डी काइनेटोकोर। तो जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से जो साइनैप्स स्ट्रक्चर हो रहा था उसको हम बाइवेलेंट या फिर टेट्राड भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट गिवन है वो है बाइवेलेंट, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है बाइवेलेंट। नेक्स्ट इज माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी टिब्यूलिन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टिब्यूलिन। बाकी ये जो एक्टिन एंड मायोसिन है ये हमारे मसल कॉन्टेक्ट्राइल प्रोटीन होते हैं, तो ये हमारे इन्वॉल्व नहीं है ड्यूरिंग स्पिंडल फॉर्मेशन।
मायोग्लोबिन है ये हमारे मसल्स में होता है, जहाँ पे हमारे मसल्स है, जो हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ा है वहाँ पे देखा है कि हमारे मसल में प्रोटीन होता है, अगेन मायोग्लोबिन। एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, बट ये मसल का प्रोटीन है मायोग्लोबिन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्यूब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो फॉर्म होते हैं उसमें जो हमारा प्रोटीन होता है उसका नेम ट्यूब्यूलिन है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट इज बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज ऑप्शन ए एंथर, ऑप्शन बी रूट टिप, ऑप्शन सी लीफ टिप, ऑप्शन डी ओवरी। तो यहाँ पूछा गया अगर हम माइटोसिस को स्टडी करना चाहते हैं एक प्लांट में तो हमें कौन सी जगह के हमें सेल्स लेने चाहिए, एंथर का लेना चाहिए, रूट का लेना चाहिए, लीफ का लेना चाहिए या फिर ओवरी का लेना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रूट टिप। तो जो रूट टिप के जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्मैटिक सेल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, उनके अंदर बहुत जल्दी माइटोसिस होता है, इस वजह से हम उसमें बहुत इजीली और अच्छे से माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं। तो या तो हम रूट टिप या तो हम शूट टिप के सेल्स यूज़ करते हैं टू स्टडी माइटोसिस। तो अगर आपको ऑप्शन में शूट टिप भी दिया होगा, या तो आपको ऑप्शन में रूट टिप दिया होगा या फिर शूट टिप, तो इन दोनों में से आपको किसी एक को करेक्ट मार्क करना है फॉर माइटोसिस। और अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस कहाँ पे होता है, ये हमारे जहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे होता है, तो गैमेट्स जहाँ पे होंगे तो वो हमारे ओवरी में होंगे या फिर एंथर में। तो उस केस में जहाँ मियोसिस होगा इस जगह पे तो वहाँ पे एंथर या फिर ओवरी आपको मार्क करना है, और अगर माइटोसिस पूछा गया है तो रूट टिप या फिर शूट टिप। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें से कौन सा जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या जो इवोल्यूशनरी चेंजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है रिगार्डिंग मियोसिस, उसको हमें करेक्ट मार्क करना है। ऑप्शन ए मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, ऑप्शन सी मियोसिस अल्टरनेट्स विद माइटोसिस फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, ऑप्शन डी द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड ऑन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। तो अगर हम इसमें एक एक ऑप्शन देखते हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एक नेसेसिटी नहीं है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे ओनली मियोसिस होगा, ये ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे माइटोसिस भी होता है मियोसिस भी होता है, दोनों टाइप के हमारे डिविजन होते हैं, इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। देन सेकेंड ऑप्शन जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज यहाँ पे इवोल्यूशन से रिगार्डिंग पूछा गया। तो इवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं बिकॉज हमारा जो मदर का जितना भी सेल है और जो फादर का सेल है वो एक दूसरे से रिकम्बाइन हो रहे हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे रिकॉम्बिनेशन होके कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं बिटवीन हमारे पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो वही चीज़ें जो हैं वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। थर्ड है मियोसिस अल्टरनेट विथ माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कुछ सेल्स में जो होता है मियोसिस एंड माइटोसिस में जीन का जो चेंज होता है वो होता है जनरेशन चेंज होता है, बट उसकी वजह से कोई इवोल्यूशनरी एडवांटेज नहीं है, तो इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। द सेम जेनेटिक सिस्टम इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो मियोसिस में हमारा सेम जेनेटिक मटेरियल तो पास हो ही नहीं सकता बिकॉज वहाँ पे हमारे दो टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं, एक दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे हो गए, तो इसलिए डी ऑप्शन तो पूरा हम एक बार में उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जेनरेशन टू जनरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू, ऑप्शन ए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ऑप्शन डी डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पूछा गया है कि जो मियोसिस वन है वो रिडक्शनल डिवीजन और जो मियोसिस टू है उसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ हमें पूछा गया है मियोसिस टू के बारे में, तो यहाँ जो हम आंसर करेंगे वो मियोसिस टू से रिगार्डिंग करेंगे। तो मियोसिस वन में क्या होता है, मियोसिस वन में ही हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, मियोसिस वन में ही हमारा क्या हो रहा है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है,
तो यहाँ पे कौन सी चीज़ अब हमारी मियोसिस टू में हो रही है, तो मियोसिस टू में क्या हो रहा है हमारा, सिर्फ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो रहा है। तो इन अ वे आप ऐसे भी इसको सही आंसर पे आ सकते थे कि जो हमारा सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो रहा है वो हो रहा है हमारा मियोसिस टू में। एंड इक्वेशनल डिवीजन भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स थे या जो क्रोमैटिड्स थे वो इक्वली बिटवीन टू सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम मियोसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। एंड ये हमारा ऑप्शन सी है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड टू मेक 128 सेल्स। तो अगर हमारे पास एक सेल है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि ये डिवाइड होके 128 सेल्स फॉर्म करे, तो यहाँ पे कितने डिवीजन्स हमें चाहिए होंगे। तो जो माइटोटिक सेल्स होते हैं जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है उनके लिए फॉर्मूला होता है 2^n। तो ये 2 है एंड इसकी पावर हम कितनी बढ़ाएंगे, तो ये हमें माइटोटिक सेल के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी विच इज़ 7। तो अगर हम 7 डिवीजन्स करवाएंगे एक सेल में, ये जो हमारा अभी स्टार्टिंग में सेल था इसमें अगर 7 डिवीजन करेंगे तो हमारे 128 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो आप 2 है, इसकी 2 की पावर 7 करके आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को हम 2 से ही 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 128। तो यहाँ पे कितने बार में आया, वो 7 टाइम्स में आया, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 7। और इन अ वे ये आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, 128 की जगह कुछ और भी दे दे, बट आपको ये फार्मूला याद रखना है कि माइटोटिक डिवीजन के लिए हमें 2^n का फार्मूला यूज़ करना होता है, उसके बाद हम आंसर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2^ इज इक्वल टू 128 ये है, तो यहाँ पे 2^n है यहाँ पे। तो ये एन को अगर यहाँ पे आप चेंज करोगे तो ये लॉग में चला जाता है, तो उतने में जाने में आपको कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी होगी। तो सिंपल आप 2 से मल्टीप्लाई करके 7 टाइम्स 8 टाइम्स तक आपको जाके देखना पड़ेगा कि क्या आंसर आ रहा है, बट माइटोटिक है तो ये आप कन्फर्म रह सकते हो कि 2^n वाला ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। द नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का ही। नेक्स्ट है, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल। ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ DNA रिमेन्स सेम इन ईच सेल। ऑप्शन सी, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल। जो एस फेज है ये हमारा सिंथेसिस फेज है, तो इस फेज में हमारा जो DNA है वो डबल हो जाता है, बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता है। क्रोमोसोम हमारा जो मियोसिस या फिर माइटोसिस फेज है वहाँ पे चेंज आता है उसमें, बट हमारा जो DNA है वो डबल जो हो रहा है वो हमारे एस फेज में ही हो रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल ड्यूरिंग एस फेज। देन नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज वन इन मियोसिस। तो जो मियोसिस का प्रोफेज वन है उसका गिवन में से कौन सा फेज जो है जो फर्स्ट फेज है। तो ऑप्शन ए है पैकेटिन, ऑप्शन बी इज जाइगोटिन, ऑप्शन सी इज डिप्लोटीन, ऑप्शन डी इज लेप्टोटीन। तो जो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज वन का इन केस ऑफ मियोसिस वन वो है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन से ही हमारा स्टार्ट होता है, देन लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन एंड अदर स्टेजेस आते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है लेप्टोटीन। देन नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग मियोसिस वन द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट। ऑप्शन ए जाइगोटीन, ऑप्शन बी पैकेटीन, ऑप्शन सी डिप्लोटीन, ऑप्शन डी लेप्टोटीन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जाइगोटीन। तो जाइगोटीन जो स्टेज है उसी स्टेज में हमारा क्रोमोसोम जो है वो थिक होता है, और थिक होने के बाद वहीं पे फिर हमारी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट फेज जहाँ पे हमारा पेयरिंग अब स्टार्ट हो रहा है वो है जाइगोटीन। वैसे प्रोफेज वन जो है वो स्टार्ट होता है हमारा लेप्टोटीन से, देन सेकेंड स्टेज जो है वो है जाइगोटीन, देन पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये हमारे 5 स्टेजेस हैं, बट जहाँ पे हमारा पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है वो है जाइगोटीन, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जाइगोटीन। द नेक्स्ट जो है, माइक्रोटिब्यूल इज इन्वॉल्व इन द, ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन आर्किटेक्ट, ऑप्शन सी सेल डिवीजन, ऑप्शन डी DNA रिकॉग्निशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सेल डिवीजन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल डिवीजन के टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, वही हमारे क्रोमैटिड्स पे बाइंड करते हैं और उनको
टूवर्ड्स पोल लेके जाते हैं, जिसके वजह से हमारा डिवीजन हो पाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल डिवीजन। सो लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं प्लीज़ ये आप आपके कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और एक और क्वेश्चन जो है मैं हर बार पूछती हूँ, इस बार भी मैं पूछ रही हूँ, तो उस क्रोमोसोम का क्या नाम होता है जहाँ पे सेंट्रोमियर एकदम एंड पे होता है? तो इसके ऑप्शंस हो सकते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और या फिर एसेंट्रिक। तो ऐसा कौन सा क्रोमोसोम का नेम है जिसमें हमारे जो सेंट्रोमियर है वो एकदम एंड पे होता है, तो उसका नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं। एंड उसके अलावा हमारा ऐप है, आप उस पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपके एमएनएस के लिए रिक्वायर्ड होगी। सो प्लीज़ डू डैट, थैंक यू।